नहीं नहीं वीडियो के लिए, वीडियो के लिए हम आगे आगे ओह नो शिट ठीक है हैप्पी क्रिसमस मैन थैंक यू हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल और फिलहाल मैं हूँ इस समय बलिया में और यहाँ पे जब भी मैं इस रास्ते से गुजरता हूँ तो काफ़ी अच्छी स्मेल आती है यहाँ पे काफ़ी फेमस तो नहीं कहूँगा यहाँ पता नहीं मुझे फेमस काफ़ी एक शॉप है जो कहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी रहती है तो आज मुझे टाइम मिला है तो यहाँ पर आया हूँ मैं समोसा टेस्ट करते हैं और सो लेट्स सी कि हाउ इज़ द टेस्ट एंड सारी चीज़ों को मैं आपको बताता हूँ हमेशा यहाँ पर चटनी डाल दिया चलो चटनी मीठा लगे तो फिलहाल हमारे पास आ चुका है अपना समोसा और इसको हम टेस्ट करते हैं और मैं बताता हूँ कैसा है टेस्ट मुझे गीला हो गया ये समोसा इज गुड टेस्ट अच्छा है अब समझ में आया कि आप यहाँ पे भूख क्यों लगी रहती है अगर आप बलिया से हैं दूसरी जो लोकेशन है वो टीडी कॉलेज के पास में है काफ़ी अच्छी जगह लगी मुझे वो समोसा अगर आप खाना चाहते हैं अगर शौकीन है आगे ट्राई कर सकते हैं तो समोसे खाने का मैंने यहाँ पे लिए है गुलाब जामुन जो कि जिसका जो प्राइस है 10 रुपीज़ पर पीस तो इसको चलिए टेस्ट करते हैं और मैं बताता हूँ कैसा है इसका टेस्ट टेस्ट इज़ गुड काफ़ी अच्छा लगा दोनों चीज़ बेस्ट थी हालांकि दुकान का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है और बंगाल का सबसे लोकप्रिय हिंदी अखबार अब आपके अपने शहर so, और कहीं नहीं होता है क्या है जब वीडियो इस तरीके से शूट होती है तो काफ़ी सारे लोग होते हैं जो परेशान करने के लिए आ जाते हैं तो हमेशा हमें इग्नोर करना पड़ता है सो फिलहाल मैं आया था यहाँ पे सिटी कार्ट सिटी लाइफ नाम है ना इसका कि सिटी कार्ट है सिटी लाइफ तो यहाँ पे मिले सेंटा क्लॉज और उन्होंने दिया मेरे को ये पार्ले का कच्चा मैंगो बाइट हालांकि इस मॉल की एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और वो है कि यहाँ पे क्रिसमस सेंटा क्लॉज थे थोड़ा रोशनी में जाता हूँ उन्होंने टॉफ़ी दिया है इसको खाते हैं भैया क्रिसमस वाली टॉफ़ी मिल जाएगी दिखा दीजिए छोटे बच्चों के लिए रुपए की है यहाँ पे टोपी मिल गई हालांकि और सिटी लाइफ के पास में एक दुकान है दुकान का तो कोई नहीं अमन मोबाइल गिफ्ट शॉप है अगर आप बलिया से हैं इस साल तो क्रिसमस खत्म हो गया लेकिन अगर अगली बार आपकी ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पर आके लेके जा सकते हैं क्योंकि बलिया के अंदर ये सब चीज़ें थोड़ी कम देखने को मिलती है काफ़ी सारे लोग क्या है ना मुझे देख देख के हंसे जा रहे हैं मैंने सेंटा क्लॉज बैग तो ले लिया लेकिन उसके लिए मुझे टॉफ़ी लेनी है तो यहाँ पे एक दुकान है जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है यहाँ से लेते हैं कुछ टॉफियाँ ये टॉफी होगी क्या तो
आज क्रिसमस से बैठने के लिए मैंने कुछ टॉफियाँ ली है, इसको बांटा जाएगा इन द इवनिंग। कि देखा जाए तो यहाँ पे इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं देखने को मिलता है आपको, बलिया में लोग इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ पे बलेश्वर मंदिर के पास में एक भंडारा हो रहा है जो कि दिखाता हूँ, चलते हैं अंदर की तरफ देखते हैं कैसा यहाँ का फूड है। यहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है, चलते हैं जरा अंदर की तरफ। यहाँ लोग भंडारा खाते हुए हरियाणा स्वामी जी के सानिध्य में हर कीर्तन एक महीना चला है, ईश्वर दयाल मिश्रा जी ने कराया है। फिलहाल मैंने यहाँ पे ये प्लेट लिया है और उसके बाद लाइन में लगे हुए हैं खाने के लिए। काफी ज्यादा लंबी लाइन लगी हुई है। इधर आइए, हो गया, चलिए आगे बढ़िए। हालांकि पूड़ी मिल चुकी है, हमारे पास सरकारों का निवेदन है कि ये भंडारे का प्रसाद है, जितने जितने ज्यादा से ज्यादा जितना ग्रहण करेंगे उतना ही पुण्य मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रसाद ग्रहण कराइए। तो फिलहाल अपनी पूड़ी आ चुकी है, तो अब हम इसको करने वाले हैं टेस्ट और इसको हम टेस्ट करते हैं कैसा है। यहाँ पे पहले दिखा दूँ जरा, पूड़ी है और ये आलू की, आलू और चने की सब्जी है और इसके अलावा यहाँ पे बूंदी है। पूड़ी जो बलिया की काफ़ी बड़ी पूड़ी होती है, बड़ी वाली पूड़ी है यहाँ पे, जिसके लिए बलिया फेमस है। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। ये हालांकि देखा जाए तो प्रसाद है, फूड इज गुड। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मैं बलिया के अंदर भंडारा खा रहा हूँ, इससे पहले मैंने कभी पहले ट्राई नहीं किया। बूंदी ट्राई करते हैं, बूंदी भी, बूंदी की थोड़ी बूंदी भी काफ़ी अच्छी लग रही है। ओवरऑल फूड काफ़ी अच्छा है। और कभी भी आपको ऐसा भंडारा मिलता है तो चुकिएगा मत। भंडारा हमने खा लिया है और भंडारा खाने के बाद मैं जा रहा हूँ मधेसिया केक पे, जो काफ़ी अच्छा केक बनाते हैं बलिया के अंदर। मुझे पर्सनली देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। कभी भी मुझे अगर केक वगैरह लेना होता है तो मैं हमेशा यहीं से लेता हूँ। तो यहाँ पर अभी आज क्रिसमस है तो केक तो नहीं लूँगा, हालाँकि यहाँ से मैं पेस्ट्री लेना है मेरे को। यहाँ पे दो तीन तरह की पेस्ट्री मिलती है, चाहे वो बटर स्कॉच हो चाहे वो रेड वेलवेट हो। तो देखते हैं, अगर रेड वेलवेट पे होगी तो रेड वेलवेट लेंगे, नहीं तो फिर बटर स्कॉच ट्राई करते हैं। बेसिकली केक के लिए ये प्लेस मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, तो यहाँ फिलहाल मैं केक तो नहीं लेने वाला हूँ, कुछ पेस्ट्री ट्राई करते हैं। पेस्ट्री मिल जाएगा क्या? हाँ पेस्ट्री मिल जाएगा। कौन सा है? बटर स्कॉच में आगा है, बटर स्कॉच इधर है, तो फिलहाल यहाँ पे मैं भी ले रहा हूँ पेस्ट्री। केक वगैरह भी मैं ले जाता हूँ, काफी क्वालिटी अगर मैं बात करता हूँ तो काफी ज्यादा अच्छी होती है। इफ़ यू आर फ्रॉम बलिया, अगर आप बर्थडे वगैरह या कुछ भी अगर सेलिब्रेशन ऐसा कुछ करना है, यू कैन टेक इट फ्रॉम हियर, काफ़ी बेस्ट प्लेस लगी ये बटर स्कॉच पेस्ट्री मेरी।